जैसा कि रजनीकांत ने कहा, सेटिंग द स्क्रीन ऑन फायर। यस, मैं बात कर रही हूँ रोबो 2.0 ट्रेलर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक और लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए 2.0 रोबोट का ट्रेलर रिएक्शन। जी हाँ, हाल ही में फाइनली रोबोट 2 का मच एंटिसिपेटेड ट्रेलर रिलीज किया गया इंटरनेट पर, और कहना पड़ेगा कि वीएफएक्स के मामले में शायद इंडिया की बनाई गई अब तक की बेस्ट ट्रेलर या फिर मूवी ये हो सकती है। जी हाँ, ट्रेलर जैसे ही शुरू होता है वैसे ही हम देखते हैं कि एक सोशल मैसेज के साथ ट्रेलर शुरू हो रहा है, जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को ओवरलैप कर दिया है। लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आ गए हैं जहां हम टेक्नोलॉजी के बिना सोच ही नहीं पाते हैं चीजों को, और ऐसे में चिट्टी की एंट्री होती है, चिट्टी द रोबो की एंट्री होती है, जो कि आता है सबकी लाइफ सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेलर में साफ साफ खैर ये मैसेज दिखाया गया है कि मोबाइल के थ्रू जो रेडिएशंस जाती हैं, वो रेडिएशंस कहीं ना कहीं जो बर्ड्स हैं, क्रोमैन जो अक्षय कुमार बने हुए हैं, जी हाँ, उनको अफेक्ट करती है, और फिर किस तरीके से वो जो है वो बदला लेने की ठानते हैं, और जैसे ही वो बदला लेने की ठानते हैं पूरा शहर जो है वो तहस नहस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं सबके सेलफोन छीन लिए जाते हैं। आज की जनरेशन जो कि सेलफोन पर इतना डिपेंड हो गई है, नॉट ओनली सेलफोन, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पर आज की जनरेशन जो है वो डिपेंड कर चुकी है। सो ऐसे में जितने भी क्रोज हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि वो बदला लेंगे ह्यूमन से। सो इट इज एक तो पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप ट्रेलर देखते हैं वो इतना लार्जर देन लाइफ लुक आ रहा है, कहीं पे भी फेक नहीं लग रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहीं ना कहीं वीएफएक्स के मामले में दाद देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो पूरा लुक है फिल्म का वो इतना टेक्निकल लुक आ रहा है, और बहुत बखूबी चीजों को प्रेजेंट किया गया है, बहुत बखूबी हर छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान दिया गया है, और साथ ही साथ जिस तरह चिट्टी का डायलॉग वो बोलते हैं, आई एम चिट्टी रीलोडेड 2.0 वर्जन, कहीं ना कहीं चिट्टी को देखकर नॉस्टैल्जिया मोमेंट भी क्रिएट हो रहा है। और अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अक्षय के जितने भी फैंस हैं सभी के लिए ऑनेस्टली एक ट्रीट होने वाला है अक्षय कुमार को नेगेटिव रोल में देखना। और एमी जैक्सन, हालांकि इतना ट्रेलर में एमी को नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं एमी जैक्सन का जो लुक है वो थोड़ा बहुत मुझे रिजेम्बलेंस नजर आई कंगना रनौत के क्रिश के लुक से, अगर आप ध्यान दें तो। और कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा फील जो था क्रिश वाला भी थोड़ा सा फील आया, लेकिन ऑफकोर्स दिस इज अ बेटर वर्जन, आप बेटर वर्जन बोल सकते हैं क्रिश के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफकोर्स लेवल बहुत हाई है वीएफएक्स के मामले में। मैं बार बार कहना चाहूंगी वीएफएक्स का जितना भी यूज किया गया है वो सुप्रीमली हैंडल किया है इन्होंने वीएफएक्स को, उसके लिए डेफिनेटली अप्लॉज बनते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड स्कोर की, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर पैक बैकग्राउंड स्कोर है, क्योंकि पूरे जो सिचुएशन है, जो ऑरा क्रिएट हो रही है ट्रेलर में, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक ब्यूटिफुली एक्नॉलेज कर रहा है साथ साथ। और यही रजनीकांत की अगर बात करी जाए, ऑफकोर्स रजनीकांत और अक्षय कुमार ये दोनों के बेसिस पर ही ये पूरा ट्रेलर पिक्चराइज किया गया है। तो जहां रजनीकांत जो है वो चिट्टी के रोल में काफी वापस से इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार जो है वो अपने रोल को प्रॉपरली जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जो एंगर, वो जो फ्रस्ट्रेशन, वो जो गुस्सा अक्षय के फेस पर दिख रहा है ट्रेलर में, वो कहीं ना कहीं वाकई काबिले तारीफ है। तो ट्रेलर देखकर डेफिनेटली ये फील आ रहा है, और ट्रेलर देखकर डेफिनेटली ये समझ में आ चुका है कि इस बार की दिवाली जो है, इस बार का ईयर जो एंड होने वाला है वो बहुत तगड़े नोट पर एंड होने वाला है, क्योंकि बहुत सुपरबली टैलेंटेड ट्रेलर है कहना पड़ेगा। अगर ट्रेलर इतना अच्छा है डेफिनेटली, तो इससे बेहतर शॉट्स, इससे बेहतर इलैबोरेटेड वर्जन डेफिनेटली पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि किसी भी सॉन्ग की कोई झलक नहीं दिखाई दी ट्रेलर में, हो सकता है शायद मूवी में भी गाने कम ही रखे गए हो, बिकॉज ये एक सोशल मैसेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हाँ, सोशल मैसेज की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग मैसेज के साथ साथ, स्ट्रांग प्रेजेंटेशन के साथ साथ, जिस तरह का डायरेक्शन है, जिस तरह की एग्जीक्यूशन करी गई है,
ऑनेस्टली काबिले तारीफ है. सो मैं इस ट्रेलर को ऑनेस्टली देना चाहूंगी 6 out of 5. हालांकि 6 नहीं दे सकते, सो 5 out of 5. बट आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? आई एम श्योर डेफिनेटली आपको ट्रेलर जबरदस्त लगा होगा. प्लीज हमें कमेंट्स करके बताना ना भूले कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और ये ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा. प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू मूवीज अड्डा.